दुआए अरफा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हम्द है खुदा के लिए जिसके फैसले को कोई बदलने वाला नहीं, कोई उसकी अता वाला नहीं, कोई उस जैसी सनत वाला नहीं। वो कुशादगी के साथ देने वाला है। उसने किस्म किस्म की मखलूक बनाई और बनाई हुई चीजों को अपनी हिकमत से मोहकम किया। दुनिया में आने वाली कोई चीज उससे पोशीदा नहीं। उसके यहाँ कोई अमानत जाये नहीं होती। वो हर काम पर जजा देने वाला है। वो हर मांगने वाले को ज्यादा देने वाला और फरियाद करने वाले पर रहम करने वाला है। वो भलाइयां नाजिल करने वाला और चमकते नूर के साथ मुकम्मिल और कामिल किताब उतारने वाला है। वो लोगों की दुआओं का सुनने वाला, लोगों के दुख दर्द दूर करने वाला, दरजे बुलंद करने वाला और सरकशों की जड़ काटने वाला है। बस नहीं है माबूद सिवाय उसके, नहीं कोई चीज बराबर उसके, नहीं कोई चीज उसके मानिंद। और वो है सुनने वाला, देखने वाला, बारिक बिन खबर रखने वाला और वही हर चीज पर कुदरत रखता है। ए अल्लाह, मैं तेरी तरफ मुतवज्जे हुआ हूँ, तेरे पालनहार होने की गवाही देता हूँ और मानता हूँ कि तू मेरा पालनहार है और तेरी तरफ पलटा हूँ कि तूने मुझ पर अपनी नेमत का आगाज किया। इससे पहले कि मैं वजूद में आता और तूने मुझे मिट्टी से पैदा किया, फिर जगा दी बड़ों की पुश्तों में, अमन दिया मुझे मौत से और माह और साल में आने वाली आफात से। बस मैं पे दर पे एक एक पुश्त से एक एक रहम में आया। उन दिनों में जो गुजरे हैं और उन सदियों में जो बीत चुकी है, तूने बेवजह अपनी मोहब्बत और मेहरबानी के मुझ पर एहसान किया और मुझे काफिर बादशाहों के दौर में पैदा नहीं किया कि जिन्होंने तेरे फरमान को तोड़ा और तेरे रसूलों को झुठलाया। लेकिन तूने मुझे उस जमाने में पैदा किया कि थोड़े अरसे के बाद मुझे हिदायत मयसर आ गई। इसमें तूने मुझे पाला और इससे पहले तूने अच्छे उनवान से मेरे लिए मोहब्बत जाहिर फरमाई और बेहतरीन नेमतें अता की। फिर मेरे पैदा करने का आगाज तपकाई हुई मनी से किया और मुझको तीन तारीकियों में ठहराया, यानी गोश्त खून और जिल्द के नीचे, जहां मैंने भी अपनी खिलकत को न देखा और तूने मेरे इस मामले में से कुछ भी मुझ पर न डाला। फिर तूने मुझे रहमे मादर से निकाला कि मुझे हिदायत देकर दुनिया में दुरुस्त और सालिम जिस्म के साथ भेजा और गहवारे में मेरी निगहबानी की जबकि मैं छोटा सा बच्चा था। तूने मुझे ताजा दूध की गीजा बहम पहुंचाई और दूध पिलाने वालियों के दिल मेरे लिए नरम कर दिए। तूने मेहरबान माओं को मेरी परवरिश का जिम्मेदार बनाया, जिन्हों परे के आसेब से मेरी हिफाजत फरमाई और मुझे हर किस्म की कमियों बेशी से बचाए रखा। बस तू बरतर है ए मेहरबान ए अताओ वाले। यहाँ तक कि मैं बातें करने लगा और यूं तूने मुझ पर अपनी बेहतरीन नेमतें पूरी कर दी और हर हाल साल में मेरे जिस्म को बढ़ाया, हत्ता कि मेरी जिस्मानी तरक्की अपने कमाल तक पहुँच गई और मेरी शख्सियत में तवाजुन पैदा हो गया। तो मुझ पर तेरी हुज्जत कायम हो गई इसलिए कि तूने मुझे अपनी मारिफत कराई और अपनी अजीब अजीब हिकमतों के जरिए मुझे खाइफ कर दिया और मुझे बेदार किया उन चीजों के जरिए जो तूने आसमानों जमीन में अजब तरह से खल्क की। इस तरह मुझे अपने शुक्र और जिक्र से आगाह किया और मुझ पर अपनी फरमा बरदारी और इबादत लाजिम फरमाई। तूने मुझे वो चीज समझाई जो तेरे रसूल लाए और आसान की मेरे लिए अपनी रजाओं की कबूलियत। तो इन सब बातों में मुझ पर तेरा एहसान है और उसके साथ तेरी मदद और मेहरबानी है। फिर जब तूने मुझे बेहतरीन खाक से पैदा किया तो मेरे लिए ए अल्लाह तूने एक नेमत पर ही बस नहीं की बल्कि मुझे माश के कई तरीके और फायदे के कई रास्ते अता किए। मुझ पर अपने बड़े बड़े एहसानों करम से और मुझ पर अपनी साबिका मेहरबानियों से
یہاں تک کہ جب مجھے تو نے یہ تمام نعمتیں دے دی اور تکلیفیں مجھ سے دور کر دی، تیرے آگے میری جرأت اور میری نادانی اس میں روک نہیں بنی کہ تو نے مجھے وہ راستے بتائے جو مجھ کو تیرے قریب کرنے والے تھے، اور تو نے مجھے توفیق دی کہ تیرا پسندیدہ بنوں۔ بس میں نے جو دعا مانگی تو نے قبول کی، اور جو سوال کیا وہ تو نے پورا فرمایا۔ اگر میں نے تیری اطاعت کی تو تو نے قدر فرمائی، اور میں نے شکر کیا تو نے زیادہ دیا۔ یہ سب مجھ پر تیری نعمتوں کی کثرت اور مجھ پر تیرا احسان و کرم ہے۔ بس تو پاک ہے، تو پاک ہے کہ تو آغاز کرنے والا، لوٹانے والا، تعریف والا، بزرگی والا ہے، اور پاک ہے تیرے نام، اور بہت بڑی ہے تیری نعمتیں۔ تو اے میرے خدا، تیری کس نعمت کی گنتی کروں اور اسے یاد کروں، یا تیری کون کون سی عطاؤں کا شکر بجا لاؤں؟ اور اے میرے پروردگار، یہ تو اتنی زیادہ ہے کہ شمار کرنے والے انہیں شمار نہیں کر سکتے، یا یاد کرنے والے ان کو یاد نہیں رکھ سکتے۔ پھر اے اللہ، جو تکلیفیں اور سختیاں تو نے مجھ سے دور کی اور ہٹائی ہے، ان میں اکثر ایسی ہیں جن سے میرے لیے آرام اور خوشی ظاہر ہوئی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اے اللہ، اپنے ایمان کی حقیقت، اپنے اٹل ارادوں کی مضبوطی، اپنی واضح و آشکار توحید، اپنے باطین میں پوشیدہ ضمیر، اپنی آنکھوں کے پیوستہ راستوں، اپنی پیشانی کے نقوش کے رازوں، اپنی سانس کی رگوں کے سوراخوں، اپنے ناک کے نرم و ملائم پردوں، اپنے کانوں کی سننے والی زلیوں، اور اپنے چپکنے اور ٹھیک بند ہونے والے دونوں ہوٹھوں، اپنی زبان کی حرکات سے نکلنے والے لفظوں، اپنے منہ کے اوپر نیچے کے حصوں کے ہلنے، اپنے دانتوں کے آگے کی جگہ، اپنے دانتوں کے اگنے کی جگہ، اپنے کھانے پینے کے ذائقہ دار ہونے، اپنے سر میں دماغ کی قرار گاہ، اپنی گردن میں غذا کی نالیوں، ان ہڈیوں جن سے سینہ کا گھیرا بنا ہے، اپنے گلے کے اندر لٹکی ہوئی شہرگ، اپنے دل میں آویزہ پردے، اپنے جگر کے بڑے ہوئے کناروں، اپنی ایک دوسرے سے ملی اور جھکی پسلیوں، اپنے جوڑوں کے حلقوں، اپنے اعضاء کے بندھنوں، اپنی انگلیوں کے پوروں، اور اپنے گوشت، خون، اپنے بالوں، اپنی جلد، اپنی پٹھوں اور نلیوں، اپنی ہڈیوں، اپنے مغز، اپنی رگوں، اور اپنے ہاتھ پاؤں اور بدن کی جو میرے بچپن میں پیدا ہوئی، اور زمین پر پڑنے والے اپنے بوجھ، اپنی نیند، اپنی بیداری، اپنے سکون اور اپنے رکوع و سجود کی حرکات، ان سب چیزوں پر اگر تیرا شکر ادا کرنا چاہوں، تمام زمانوں اور صدیوں میں کوشا رہوں اور عمر وفا کرے، تو بھی میں تیری ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، سوائے تیرے احسان کے، جس سے مجھ پر تیرا ایک اور شکر واجب اور تیری لگاتار ثنا واجب ہو جائیں گی۔ اور اگر میں ایسا کرنا چاہوں اور تیری مخلوق میں سے شمار کرنے والے بھی کہ ہم تیری گزشتہ و آئندہ نعمتیں شمار کرے، تو ہم نہ ان کی تعداد کا اور نہ ان کی مدت کا حساب کر سکیں گے، یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ تو نے اپنی اظہار کرنے والی کتاب میں سچی خبر دے کر بتایا کہ اور اگر تم خدا کی نعمتوں کو گنوانا چاہو تو ان کا حساب نہ لگا سکو گے، تیری کتاب سچی ہے اے اللہ، اور تیری خبریں بھی جو تو نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو دی سچ ہے، جو تو نے ان پر نازل کیا وحی میں سے اور جاری کیا ان کو اور ان کے ذریعے اپنے دین کو سچ ہے۔ دیگر یہ کہ اے اللہ، گواہی دیتا ہوں میں اپنی محنتوں، کوشش اور اپنی فرما برداری و ہمت کے ساتھ، اور کہتا ہوں کہ میں ایمان و یقین سے کہ حمد ہے خدا کے لیے جس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا جو اس کا وارث ہو، اور نہ ملک و حکومت میں کوئی اس کا سازی ہے کہ پیدا کرنے میں اس کا ہمکار ہو، اور نہ وہ کمزور ہے کہ کوئی چیزوں کے بنانے میں اس کی مدد کرے۔ بس پاک ہے وہ، اگر زمین و آسمان میں خدا کے سوا کوئی معبود ہوتا تو یہ ٹوٹ پھوٹ کر گر پڑتے۔ پاک ہے خدا، یگانا، یکتا، بے نیاز، جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے،
हम्द है खुदा के लिए बराबर उस हम्द के जो उसके मुकर्रब फरिश्तों और उसके भेजे हुए नबियों ने की है, और खुदा की रहमत हो उसके पसंद किए हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के खातिम पर और उनकी आल पर जो नेक पाक खालिस है, और उन पर सलाम हो। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। फिर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुदाए ताला से हाजात तलब करना शुरू करते हैं, जबकि आपकी आंखों से आंसू जारी थे। इसी हालत में आप बारगाह इलाही में यूं अर्ज गुजार हुए, ऐ अल्लाह मुझे ऐसा डरने वाला बना दे गोया तुझे देख रहा हूँ, मुझे परहेजगारी की सआदत अता कर और नाफरमानी के साथ बदबख्त ना बना, अपनी कजा में मुझे नेक बना दे, अपनी तकदीर में मुझे बरकत अता फरमा, यहाँ तक कि जिस अम्र में तू ताखीर करे उसमें जल्दी ना चाहूँ और जिसमें तू जल्दी करे उसमें ताखीर ना चाहूँ। ए अल्लाह पैदा कर दे मेरे नफ्स में सेरी, मेरे दिल में यकीन, मेरे अमल में खुलूस, मेरी निगाह में नूर, मेरे दीन में समझ और मेरे आज़ा में फायदा पैदा कर दे, और मेरे कानों व आँखों को मेरा मुती बना दे, और जिसने मुझ पर जुल्म किया उसके मुकाबिल मेरी मदद कर, मुझे उससे बदला लेने वाला बना, ये आरजू पूरी कर और इससे मेरी आंखें ठंडी फरमा। ए अल्लाह मेरी सख्ती दूर कर दे, मेरी पर्दा पोशी फरमा, मेरी खताएं माफ कर दे, मेरे शैतान को जलील कर और मेरी जिम्मेदारी पूरी कर दे, करार दे मेरे लिए ए मेरे खुदा दुनिया व आखिरत में बुलंद से बुलंदतर मर्तबे। ए अल्लाह हम्द तेरे ही लिए है कि तूने मुझे पैदा किया, तूने मुझको सुनने वाला देखने वाला बनाया, हम्द तेरे ही लिए है कि तूने मुझे पैदा किया तो अपनी रहमत से बेहतरीन तरतीब अता की, हालांकि तू मुझे खल्क करने से बेनियाज था। ए परवरदिगार तूने मुझे पैदा किया है तो दुरुस्ती के साथ पैदा किया, ए परवरदिगार तूने मुझे नेमत दी तो हिदायत भी अता की, ए परवरदिगार तूने मुझ पर एहसान किया और मुझे सेहत और आफियत दी, ए परवरदिगार तूने मेरी हिफाजत की और तौफीक दी, ए परवरदिगार तूने मुझे पैदा किया तो बेहतरीन सूरत अता की, ए परवरदिगार तूने मुझे अपनी पनाह में लिया और हर भलाई मुझे अता फरमाई, ए परवरदिगार तूने मुझे खाना और पानी दिया, ए परवरदिगार तूने मुझे माल दिया मेरी निगहबानी की, ए परवरदिगार तूने मेरी मदद की और इज्जत बख्शी, ए परवरदिगार तूने अपनी इनायत से मुझे लिबास अता किया और अपनी चीजें मेरी दस्तरस में दी है, रहमत फरमा सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर, और जमाने की सख्ती और शबो रोज की गर्दिश के मुकाबले में मेरी मदद फरमा, दुनिया के खौफों और आखिरत की सख्तियों से मुझे नजात दे और इस जमीन पर जालिमों के फैलाए हुए फसाद से महफूज रख। ए अल्लाह हालत खौफ में मेरी मदद फरमा और हिरास से बचाए रख, मेरी जान और मेरे ईमान की निगहदारी फरमा, दौरान सफर मेरी हिफाजत कर और मेरी अदम मौजूदगी में मेरे मालो औलाद को नजर में रख, जो रिस्क तूने मुझे दिया उसमें बरकत दे, मेरे नफ्स को मेरे आगे पस्त कर दे और लोगों की निगाहों में मुझे इज्जतदार बना दे, मुझको जिन्नों और इंसानों की बदी से महफूज फरमा और गुनाहों पर मुझे बेपर्दा न कर, मेरे बातिन से मुझे रुसवा न कर, मेरे अमल पर मेरी गिरफ्त न कर, नेमतें मुझसे न छीन, मुझे अपने सिवा किसी के हवाले न कर। मेरे खुदा तू मुझे मेरे करीबी के हवाले करेगा जो नजरे फेरे, या मुझे बेगाने के हवाले करेगा जो मुझसे नफरत करे, या उनके हवाले करेगा जो पस्त समझे, जबकि तू मेरा परवरदिगार मेरा मालिक है। मैंने अपनी बेकसी अपने घर से दूरी और जिसे तूने मुझ पर इख्तियार दिया है तुझी से उसकी शिकायत करता हूँ। मेरे अल्लाह मुझ पर अपना गजब नाजिल ना फरमाना, बस अगर तू नाराज ना हो तो फिर मुझे तेरे सिवा किसी की परवाह नहीं, तेरी जात पाक है, तेरी मेहरबानी मुझ पर ज्यादा है, बस मजीद सवाल करता हूँ बवास्ता तेरे नूर जात के जिससे तूने जमीन और सारे आसमानों को रोशन किया,
तारीकियां उसके जरिए दूर की और इससे पहले पिछले लोगों के काम सुधर गए। ये कि मुझे मौत ना दे जब तू मुझसे नाराज हो और मुझ पर सख्ती ना डाल। तुझसे माफी का तालिब हूँ, तुझसे माफी का तालिब हूँ, हत्ता कि तू मेरी मौत से पहले मुझसे राजी हो जाए। नहीं कोई माबूद सिवाय तेरे कि तू हुरमत वाले शहर, हुरमत वाले मशअर और कदीम घर काबा का रब है, जिसमें तूने बरकत नाजिल की और उस लोगों के लिए जाए अमन करार दिया। ए वो जो अपनी नरमी से बड़े बड़े गुनाह माफ करता है, ए वो जिसने अपने फजल से नेमत कामिल की, ए वो जो अपने करम से बहुत अता करता है। ए सख्ती के वक्त मेरी मदद पर आमादा, ए तन्हाई के हंगाम में मेरे साथी, ए मुश्किल में मेरे फरियाद रस, ए मुझे नेमत देने वाले मालिक, मेरे माबूद, ए मेरे आबाओ अजदाद इब्राहिम इस्माइल इसहाक और याकूब के माबूद और मुकर्रब फरिश्तों जिब्राइल मीकाईल और इसराफील के रब, और ए नबियों के खातिम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके गिरामी कदर आल के रब, ए तौरात इंजील जबूर और कुरान करीम के नाजिल करने वाले, और ए काफ हा या ऐन स्वाद ता हा यासीन और कुरान हकीम के नाजिल करने वाले। तू ही मेरी जाए पना है जब जिंदगी के वसी रास्ते मुझ पर तंग हो जाए और जमीन बावजूद कुशादगी मेरे लिए तंग हो जाए, और अगर तेरी रहमत शामिल हाल न होती तो मैं तबाह हो जाता। तू ही मेरे गुनाह माफ करने वाला है, और अगर तू मेरी पर्दा पोशी न करता तो मैं रुस्वा होकर रह जाता, और तू अपनी मदद के साथ दुश्मनों के मुकाबले मुझे कुव्वत देने वाला है, और अगर तेरी मदद हासिल न हो तो मैं जेर हो जाने वालों में से हो जाता। हे वो जिसने अपनी जात को बुलंदी और बरतरी के लिए खास किया और जिसके दोस्त उसकी इज्जत से इज्जतदार है। हे वो जिसके दरबार में बादशाहों ने अपनी गर्दनों में आजिजी का ताक पहना, बस वो उसके दबदबे से डरते व दबते हैं, वो आंखों के इशारों को और जो सीनों में छुपा है उसे जानता है और उन गैब की बातों को जानता है जो आइंदा जमानों में जाहिर होगी। ए वो जिसकी हकीकत कोई नहीं जानता मगर वो खुद, ए वो जिसकी हकीकत कोई नहीं जानता मगर वो खुद, ए वो कोई जिसका इल्म नहीं रखता मगर वो खुद, ए वो जिसने जमीन को पानी की सतह पर रखा और हवा को फिजाए आसमान में बांधा, ए वो जिसके लिए सबसे बेहतरीन नाम है ए एहसान के मालिक जो किसी वक्त में कता न होगा, ए यूसुफ के लिए बेआब बियाबान में कारवां को रोकने वाले, उन्हें कुएं में से निकालने वाले और गुलामी के बाद उन्हें बादशाह बनाने वाले, ए यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले जबकि उनकी आंखें रोते रोते सफेद हो चुकी थी और वो सख्त गमजदा रहते थे, ए अय्यूब को नुकसान और मुसीबत से नजात देने वाले, ए अपने बेटे को जबह करने में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों को रोकने वाले जब वो बहुत बूढ़े और जिंदगी की आखिरी मंजिल में थे, ए वो जिसने जकरिया की दुआ कबूल की बस उन्हें यहया अता किए और उन्हें यको तन्हा न छोड़ा, ए वो जिसने यूनुस को मछली के पेट से बाहर निकाला, ए वो जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया में रास्ते बनाए बस उन्हें नजात दी और फिरौन और उनके लश्करों को गर्क कर दिया, ए वो के बारान रहमत से पहले खुशखबरी देने वाली हवाओं को भेजता है, ए वो के अपनी मखलूक में नाफरमानी करने वालों की गिरफ्त में जल्दी नहीं करता, ए वो जिसने जादूगरों को मुद्दतों के कुफ्र से नजात अता फरमाई जब वो उसकी नेमतों से फायदा उठाते, उसकी दी हुई रोजी खाते और इबादत उसके गैर की करते थे, वो खुदा से दुश्मनी करते, शिर्क की राह चलते और उसके रसूलों को जुटलाते थे। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए आगाज करने वाले, ए पैदा करने वाले, तेरा कोई सानी नहीं, ए हमेशगी वाले, तुझे फना नहीं, ए जिंदा जब कोई जिंदा न था, ए मुर्दों को जिंदा करने वाले, ए हर नफ्स के अमाल पर निगहबान जो उसने अंजाम दिए, ए वो जिसका मैंने कम शुक्र अदा किया तो उसने मुझे महरूम न किया, मैंने बड़ी बड़ी खताएं की तो उसने मुझे रुस्वा न किया, उसने मुझे नाफरमान देखा तो पर्दा
पर्दाफाश न किया। ए वो जिसने मेरी तिफली में मेरी हिफाजत की, ए वो जिसने मेरे बुढ़ापे में रोजी दी, ए वो जिसकी नेमतों का कोई शुमार ही नहीं और जिसकी नेमतों का कोई बदला नहीं, ए वो जिसने मुझसे भलाई और एहसान किया और मैंने बुराई और नाफरमानी की, ए वो जिसने मुझे ईमान की राह बताई इससे पहले कि इस पर मेरी तरफ से शुक्र अदा होता, ए वो जिसे मैंने बीमारी में पुकारा तो शिफा दी, उरियानी में पुकारा तो लिबास दिया, भूख में पुकारा तो मुझे सैर किया, प्यास में पुकारा तो सैराब किया, पस्ती में पुकारा तो इज्जत दी, नादानी में मारिफत बख्शी, तन्हाई में कसरत दी, सफर से वापस पहुंचाया, तंग दस्ती में मुझे माल दिया, मदद मांगी तो मेरी मदद फरमाई, तवंगर था तो मेरे माल नहीं छीना, मैंने इन चीजों का न किया तो उसने देने में पहल की, बस तेरे ही लिए है सारी तारीफ और शुक्र है वो जिसने मेरी लग्जिश माफ की, मेरी तकलीफ दूर की, मेरी दुआ कबूल फरमाई, मेरे ऐबों को छुपाया, मेरे गुनाह बख्श दिए, मेरी हाजत पूरी की और दुश्मन के खिलाफ मेरी मदद की। और अगर मैं तेरी नेमतों, तेरे एहसानों और अताओं को शुमार करूं तो शुमार नहीं कर सकता। ए मेरे मालिक, तू वो है जिसने एहसान किया, तू वो है जिसने नेमत दी, तू वो है जिसने बेहतरी की, तू वो है जिसने जमाल दिया, तू वो है जिसने बढ़ाई दी, तू वो है जिसने कमाल अता किया, तू वो है जिसने रोजी दी, तू वो है जिसने तौफीक दी, तू वो है जिसने अता फरमाई, तू वो है जिसने माल दिया, तू वो है जिसने निगहदारी की, तू वो है जिसने पनाह दी, तू वो है जिसने काम बनाया, तू वो है जिसने हिदायत अता की, तू वो है जिसने मुझे गुनाह से बचाया, तू वो है जिसने पर्दा पोशी की, तू वो है जिसने माफ किया, तू वो है जिसने बख्श दिया, तू वो है जिसने मर्तबा दिया, तू वो है जिसने इज्जत बख्शी, तू वो है जिसने आराम दिया, तू वो है जिसने सहारा दिया, तू वो है जिसने हिमायत की, तू वो है जिसने मदद की, तू वो है जिसने शिफा दी, तू वो है जिसने आराम दिया, तू वो है जिसने बुजुर्गी दी, तू बड़ा बरकत वाला और बरतर है, बस तेरे लिए हम्द है हमेशा और तेरे ही लिए शुक्र लगातार हमेशा हमेशा फिर मैं हूँ। हे मेरे माबूद, अपने गुनाहों का इकरारी बस मुझे उनसे माफी दे, मैं हूँ जिसने बुराई की, मैं वो हूँ जिसने खता की, मैं वो हूँ जिसने बुरा इरादा किया, मैं वो हूँ जिसने नादानी की, मैं वो हूँ जिसने भूल की, मैं वो हूँ जो चूक गया, मैंने खुद पर एतमाद किया, मैंने दानिश्ता गुनाह किया, मैं वो हूँ जिसने वादा किया, मैं हूँ वो जिसने वादा खिलाफी की, मैंने अहद तोड़ा, मैं हूँ जो इकरार करता हूँ और एतराफ करता हूँ तेरी नेमतों का जो मुझे मिली है और मेरे पास है, मुझ पर गुनाहों का बड़ा बोझ है, बस मुझे माफ कर दे। ए वो जिसे उसके बंदों के गुनाह नुकसान नहीं पहुँचाते और वो उनकी बंदगी से बेनियाज है और तौफीक देता है उसे अपनी मेहरबानी और मदद से जो उनमें से नेक अमल करे, बस हम्द है तेरे लिए। ऐ मेरे माबूद व सरदार, ऐ मेरे माबूद, तूने हुक्म दिया तो मैंने नाफरमानी की, जिस काम से तूने मुझे रोका तो मैं वो काम कर गुजरा, बस हाल ये है कि न गुनाह से बेरी हूँ के उज्र करूँ, न ये ताकत है कि कामयाब हो जाऊँ, बस क्या चीज लेकर तेरे सामने आऊँ। ऐ मेरे मालिक, आया अपने कान या आया अपनी आँख या आया अपनी जबान या अपने हाथ या अपने पाँव के साथ, क्या ये सब मेरे पास तेरी नेमत नहीं है और इन सब के साथ मैंने तेरी नाफरमानी की। ऐ मेरे मौला, बस तेरे पास मेरे खिलाफ हुज्जत और दलील है। ऐ वो जिसने माँ बाप से मेरी पर्दापोशी की है कि वो मुझे धुतकार देंगे, अहले कबीला और भाई बंदों से मेरा पर्दा रखा कि मुझे डांट डपट करे,
और हाकिमों से मेरा पर्दा रखा कि वो मुझे सजा देंगे। ऐ मेरे मौला, अगर वो मेरे बारे में वो जान लेते जो तू जानता है तो वो मुझे कुछ भी मोहलत न देते, मुझे छोड़ जाते और कता ताल्लुक कर लेते। बस अब मैं ऐ माबूद तेरे सामने हाजिर हुआ हूँ। ऐ मेरे सरदार, आजिज पस्त कैदी बेमाया हूँ, न गुनाह से बरी हूँ के उज्र करूँ और न ताकत है के कामयाब हो जाऊँ, न कोई दलील है के पेश करूँ, न यह कह सकता हूँ के गुनाह नहीं किया, न यह के बुराई नहीं की ताकि उससे इनकार कर सकूँ, और अगर इनकार करूँ तो मेरे मौला उसका कुछ फायदा नहीं। और ऐसा क्यों हो सकता है जब मेरे आजा मुझ पर गवाह है कि जो कुछ मैंने अमल किया है, और मैं जानता हूँ यकीन के साथ जिसमें शक नहीं, जरूर तू बड़े मामलों में मेरी बाज पुर्स करेगा। बिला शुभ तू इंसाफ का फैसला देने वाला है कि जो ज्यादती नहीं करता तेरा इंसाफ मुझे नाबूद कर देगा, और तेरे हर अदल से डरता भागता हूँ। बस अगर तू मुझे अजाब दे मेरे मौला तो वो मेरे गुनाहों से मुझ पर तेरी हुज्जत के सबब होगा, और अगर तू माफ फरमा दे तो यह तेरी मेहरबानी, तेरी बख्शिश और तेरे करम का नतीजा होगा। नहीं कोई माबूद सिवाय तेरे, तू पाक तर है, बेशक मैं सितमगारों में से हूँ। नहीं कोई माबूद सिवाय तेरे, तू पाक तर है, बेशक मैं माफी मांगने वालों में से हूँ। नहीं कोई माबूद सिवाय तेरे, तू पाक तर है, बेशक मैं तौहीद के मानने वालों में से हूँ। नहीं कोई माबूद सिवाय तेरे, तू पाक तर है, बेशक मैं तुझसे डरने वालों में से हूँ। नहीं कोई माबूद सिवाय तेरे, तू पाक तर है, बेशक मैं उम्मीदवारों में हूँ। नहीं कोई माबूद सिवाय तेरे, तू पाक तर है, बेशक मैं तवज्जह करने वालों में हूँ। नहीं कोई माबूद सिवाय तेरे, तू पाक तर है, बेशक मैं नाम लेवाओं में हूँ। नहीं कोई माबूद सिवाय तेरे, तू पाक तर है, बेशक मैं सवाल करने वालों में हूँ। नहीं कोई माबूद सिवाय तेरे, तू पाक तर है, बेशक मैं तस्बीह करने वालों में हूँ। नहीं कोई माबूद सिवाय तेरे, तू पाक तर है, बेशक मैं तकबीर कहने वाला हूँ। नहीं कोई माबूद सिवाय तेरे, तू पाक तर है, तू मेरा रब और मेरे पहले बुजुर्गों का रब है। हे माबूद, ये है मेरी तरफ से तेरी सना, तेरी शान बयान करते हुए, ये है तेरे जिक्र के बारे में मेरा खुलूस तौहीद को मानते हुए, और यह है मेरी तरफ से तेरी मेहरबानियों का इकरार उनको शुमार करते हुए। अगरचे ये मानता हूँ कि मैं उन्हें शुमार नहीं कर सकता, क्योंकि वो ज्यादा है, वो बहुत सी है, वो जाहिर है और पहले से अब तक मिल रही है। तूने मुझको ये नेमत देने में हमेशा याद रखा है, जब से तूने मुझे पैदा किया, और अव्वल में उम्र में मुझे बेमायगी में तवंगरी का हिस्सा इनायत फरमाया, तंग दरस्ती से बचाया, आसाइश के अस्बाब फराहम किए और सख्ती दूर फरमाई, मुसीबत से छुटकारा दिलाया, जिस्मानी सेहत नसीब की और दीनों ईमान पर पूरी तरह कायम रखा। और अगर मेरे साथ हो जाए तो तेरी नेमतों का अंदाजा करने के बाद दुनिया जहान के लोग पहलों और पिछलों में से तो न मैं अंदाजा कर सकूंगा न वो अंदाजा कर सकेंगे। तू पाकीजा है और बुलंदतर है, ए परवरदिगार, शान वाला, बड़ाई वाला, रहम वाला, तेरी मेहरबानियों का शुमार नहीं और तेरी तारीफ का हक अदा नहीं हो पाता, और तेरी नेमतों का बदला नहीं दिया जा सकता। रहमत नाजिल फरमा सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर, हम पर अपनी नेमतें पूरी फरमा और अपनी बंदगी के साथ खुशबख्त बना दे। पाक तर है तू, नहीं कोई माबूद सिवाय तेरे। हे अल्लाह, बेशक तू बेचारे की दुआ कबूल करता है, बुराई दूर करता है, मुसीबत जदों की फरियाद को पहुंचता है, बीमार को सेहत देता है, मुफलिस को माल देता है, टूटे हुए को जोड़ता है, छोटों पर रहम करता है, बड़े की मदद करता है, और नहीं है तेरे सिवा कोई सहारा देने वाला, और नहीं तुझ पर कोई बाला दस्त, तू है बरतर बुजुर्गी वाला।
वाला, ए कैदी को फंदे से छुड़ाने वाले, ए नन्हे बच्चे को रोजी देने वाले, ए डरे हुए पनाह के तालीब को बचाने वाले, ए वो जात जिसका कोई सानी नहीं है न वजीर है, रहमत नाजिल फरमा सरकार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर, और आज की शब मुझे उससे बेहतर दे जो तूने किसी को दिया है, और अपने बंदों में से किसी को कोई नेमत अता फरमा, और जो मेहरबानियों किसी पर की है, और जो सख्ती दूर की है, जो मुसीबत हटाई है, जो दुआ तूने सुनी है, जो नेकी तूने कबूल की है, और जो बुराई माफ की है, बेशक तू लुत्फ करता है जिससे चाहे, और खबर रखता है, और हर चीज पर कुदरत रखता है। ए अल्लाह, बेशक तू करीब तर है जिसे पुकारा जाता है, तू तेज तर है जो कबूल करता है, माफ करने वालों में बेहतरीन, अता करने वालों में ज्यादा अता करने वाला, और सवाल करने वालों की बहुत सुनने वाला। ए दुनिया व आखिरत में रहम करने वाले, और दोनों जगह मेहरबान, कोई तेरे जैसा नहीं जिससे सवाल किया जाए, और कोई नहीं सिवाय तेरे जिससे उम्मीद रखी जाए। मैंने दुआ की तो तूने कबूल की, मैंने मांगा पस तूने अता किया, मैंने तेरी तरफ तवज्जह की पस तूने रहमत फरमाई, तेरा सहारा लिया पस तूने नजात दी, मैं तुझसे डरा तो तूने मेरी मदद फरमाई। ऐ अल्लाह, रहमत नाजिल फरमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो तेरे बंदे, तेरे रसूल और तेरे नबी है, और उनकी आल पर जो सबके सब बेऐब और पाक तर है, और पूरी कर हम पर अपनी नेमतें, और हम पर खुशगवार अता है फरमा, हमें अपने शुक्र गुजारों में रख, और एहसानों का जिक्र करने वालों में रख। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ए जहानों के परवरदिगार, ए अल्लाह, ए वो मालिक जो बाकुदरत है, ए बाकुदरत जो गालिब है, ए के नाफरमानी को ढापता है, बख्शिश चाहने पर बख्शता है, ए तलबगारों तवज्जह करने वालों की उम्मीदगाह, और आर्जुमंदों के मकाम आर्जू, ए वो जिसका इल्म हर चीज को घेरे हुए है, और जिसका दामन वसी है, तौबा करने वालों के लिए मोहब्बत, मेहरबानी और मुलायमत से। ए अल्लाह, हमने तवज्जह की है तेरी तरफ आज की रात में, जिसे तूने बुजुर्गी और बड़ाई दी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, जो तेरे नबी, तेरे रसूल और मखलूकात में से तेरे चुने हुए, तेरे वही के अमानतदार, बशारत देने वाले, डराने वाले रोशन चिराग है, जिनके वजूद को तूने मुसलमानों के लिए नेमत बनाया, और उनको सारे जहानों के लिए रहमत करार दिया। ए अल्लाह, रहमत नाजिल फरमा सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर, और उनकी आल पर, जैसा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम तेरी तरफ से उसके लायक है। ए बुजुर्ग तर, रहमत नाजिल कर उन पर और उनकी आल पर जो बुलंद तर, नेक निहाद और पाक है सब के सब, और हमें माफी दे कर, हमारी पर्दा पोशी कर, क्योंकि तेरे हुजूर फरियादे हो रही है हर हर मुल्क की जबान में। बस करार दे हमारे लिए, ए अल्लाह, आज की रात में हर नेकी में से हिस्सा, जो तूने अपने बंदों के दरमियान तकसीम की, नूर में जिससे हिदायत फरमाई, रहमत में जो आम की, बरकत में जो तूने नाजिल की, आफियत के लिबास में जो तूने पहनाया, रिस्क में जो वसी किया, ए सबसे ज्यादा रहम करने वाले। ए अल्लाह, इस वक्त हमें बदल कर बना दे, कामयाब होने वाले, फलाह पाने वाले, पसंदीदा अमल वाले और नफा उठाने वाले, और करार ना दे हमें मायूस होने वालों में, दूर ना कर हमें अपनी रहमत से, महरूम ना रख हमें उससे जिसकी तेरे फजल से उम्मीद करे, और हमको अपनी रहमत से महरूम और खाली करार ना दे, तेरी अता में से जिस इनायत की उम्मीद करे इससे मायूस ना फरमा, हमें नाकाम करके ना पलटा, और ना अपनी वारगाह से दुत्कारे हुए करार दे। ए बहुत अता वाले और इज्जतदारों में बड़ी इज्जत वाले, हम तेरी बारगाह में लौट के आए हैं मोतकिद बनकर,
हम तेरे घर काबा में पुकारते हुए आए हैं, बस आमाल में हमारी मदद फरमा और हमारा हज मुकम्मिल करार दे, हमें माफ फरमा, पना दे के हमने अपने हाथ तेरे आगे फैलाए हैं कि जिन पर गुनाहों के इकरार और एतराफ के निशान है। ए अल्लाह, बस अता फरमा हमें आज की रात में जो हमने तुझसे मांगा, तमाम कामों में हमारी मदद कर, तेरे सिवा हमारी किफायत करने वाला कोई नहीं और सिवाय तेरे कोई हमारा रब नहीं, कि तू के तेरा हुक्म हम पर जारी है, तेरा इल्म हमें घेरे हुए है, हमारे लिए तेरा फैसला दुरुस्त है, हमारे लिए अच्छा फैसला कर और हमें नेकूकारों में से करार दे। ए अल्लाह, वाजिब कर दे हमारे लिए अपनी अता से बहुत बड़ा आज बेहतरीन जखीरा और हमेशा की आसाइश, हमारे सारे के सारे गुनाह बख्श दे और हमें तबाह होने वालों के साथ तबाह न कर और अपनी मेहरबानी और रहमत से हमें दूर न फरमा। ए सबसे ज्यादा रहम करने वाले, ए अल्लाह, इस वक्त हमें उन लोगों में करार दे जिन्होंने तुझसे मांगा तो तूने अता किया, जिन्होंने शुक्र किया तो तूने ज्यादा दिया, तेरी तरफ पलटे तो तूने उन्हें कबूल किया, अपने गुनाहों के साथ तेरी तरफ आए तो उनके सभी गुनाह माफ कर दिए। हे जलाल और इज्जत के मालिक, हे अल्लाह, हमें पाक कर, रहनुमाई फरमा और हमारी जारी कबूल कर। ए बेहतरीन सवाल शुदा और तलब रहमत पर ज्यादा रहम करने वाले, ए वो जिससे पोशीदा नहीं है पलक का झपकना, न आँखों का इशारा, न वो चीज जो पर्दे के नीचे हो और न वो जो दिलों के पर्दों में लिपटी हुई हो। हाँ, इन सब को तेरे इल्म ने शुमार कर रखा है और तेरी नरमी उन पर छाई हुई है। तू पाक तर और बुलंद तर है, तेरी पाकी बयान करते हैं सातों आसमान और सातों जमीनें और जो कुछ इनमें है, नहीं कोई चीज मगर ये कि तेरी तस्बीह और हम्द कर रही है, बस हम्द तेरे लिए है और बुजुर्गी बुलंद शान। ए जलालत और इज्जत के मालिक, फजल करने वाले, नेमत देने वाले, बड़ी बड़ी अताएं करने वाले और बख्शिश करने वाले, करम करने वाला और नरमी करने वाला मेहरबान, हे अल्लाह, मेरे लिए अपना रिस्क हलाल वसी फरमा दे, मेरे बदन और मेरे दीन की हिफाजत फरमा, मुझे खौफ से बचा और मेरी गर्दन को जहन्नम की आग से आजाद कर दे। ए अल्लाह, मुझे गलत फहमी में ना डाल, धोखे में ना रख, मुझे फरेब ना खाने दे और नाबकार जिन्नों और इंसानों को मुझसे दूर कर दे। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपना सर आसमान की तरफ बुलंद करते हैं, जबकि आपकी आँखों से आंसू रवा थे, बस आप ये आवाज बुलंद फरमा रहे थे, ए सबसे ज्यादा सुनने वाले, ए सबसे ज्यादा देखने वाले, ए सबसे तेज तर हिसाब करने वाले और ए सबसे ज्यादा रहम करने वाले, रहमत नाजिल फरमा सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर, जो बरकत वाले सरदार है। और सवाल करता हूँ तुझसे, ए अल्लाह, अपनी उस हाजात के अगर तू वो अता कर दे तो जो कुछ तूने नहीं दिया उससे मुझे नुकसान नहीं, और अगर तू वो अता न करे तो जो तूने दिया उससे मुझे कोई नफा नहीं। सवाल करता हूँ कि मेरी गर्दन जहन्नम से आजाद कर दे, नहीं कोई माबूद सिवाय तेरे, तू यकता है, तेरा कोई साजी नहीं, तेरे लिए हुकूमत और तेरे लिए है हम्द, और तू हर एक चीज पर कुदरत रखता है। ए मेरे रब, ए मेरे रब, मेरे अल्लाह, मैं अपनी तवंगरी में भी मोहताज हूँ तो अपने फक्र की हालत में क्यों ना मोहताज हूँगा। मेरे अल्लाह, मैं इल्म रखते हुए भी जाहिल हूँ तो अपनी जहालत में क्यों ना जाहिल हूँगा। ए अल्लाह, बेशक तेरी तदबीर के तगैयुर और तबद्दुल और तेरी वारिद होने वाली तकदीर ने तेरी मारिफत रखने वाले बंदों को रोका हुआ है तेरी अता की उम्मीद न रखने और मुश्किल के वक्त तुझसे मायूस हो जाने से। ए अल्लाह, मैंने वो किया जो मेरी पस्ती का तकाजा है और तू वो करेगा जो तेरी बड़ाई के लायक है। मेरे अल्लाह, मेरी कमजोरी से पहले ही तेरी जात लुत्फ करम के औसाफ रखती है, तो क्या मेरी कमजोरी के बाद तू मुझसे ये मेहरबानियां रोक देगा। ए अल्लाह,
अगर मुझसे नेकियां जाहिर हुई तो ये तेरा फजल है और मुझ पर ये तेरा एहसान है, और अगर मुझसे बुराइयों का जहूर हुआ है तो ये तेरा अदल है और मुझ पर तेरी हुज्जत कायम हो गई है। मेरे अल्लाह, कैसे तू मुझको छोड़ देगा जबकि तू मेरा कफील है? क्यों कर मैं रोंद डाला जाऊंगा जब तू मेरा मददगार है? या कैसे बेआस हो जाऊं कि तू मुझ पर मेहरबान है? अब मैं तेरी बारगाह में आया हूँ मोहताज होने के जरिए, और किस तरह तुझे अपना वसीला बनाऊं कि नामुमकिन है ये कि कोई तुझ तक पहुंच पाए? या क्यों कर तुझसे अपने हालात की शिकायत करूं कि वो तुझसे पोशीदा नहीं है? या किस तरह अपनी जबान से उसकी तशरीह करूं कि वो तेरी तरफ से और तुझ पर आया है? या क्यों कर मेरी आरजुएं नाकाम रहेंगी जबकि ये तेरी जनाब में पेश की जा चुकी है? या क्यों कर मेरे हालात बेहतर ना होंगे जब मैं तेरी वजह से कायम हूँ? मेरे अल्लाह, तेरा कितना लुत्फ है मुझ पर जबकि मैं बड़ा ही नादान हूँ, और तू किस कदर मेहरबान है मुझ पर जबकि मैं खताकार हूँ। मेरा अल्लाह, तू कितना नज़दीक है मुझसे जबकि मैं तुझसे बहुत दूर हुआ हूँ, और कितना मेहरबान है तू मुझ पर फिर किसने मुझे तुझसे हटा दिया है? मेरे अल्लाह, दुनिया के हालात की तब्दीलियों के और तौर तरीकों के तगैयुरात के जरिए मैं जान गया कि तेरी मुराद ये है कि तू हर चीज से मुझे अपनी शानासाई कराए ताकि मैं किसी चीज के जिम्मे में तेरी कुदरत से ना वाकिफ न रहूं। मेरे अल्लाह, जब मेरी पस्ती मुझे गुंग कर देती है तो तेरा करम मुझे गोया कर देता है। जब भी मेरे बुरे औसाफ मुझे मायूस करते हैं, तेरा एहसान मुझे हौसला देते हैं। मेरे अल्लाह, जिस शख्स की खूबियां भी बुराइयां हो तो उसकी बुराइयां क्यों ना बुराइयां शुमार की जाएंगी, और जिस शख्स की हकीकत ही महज खोखली बातों हो तो उसकी खाली खुली बातें क्यों ना महज बातें तसव्वुर की जाएंगी। मेरे अल्लाह, तेरा हुक्म जारी है और तेरी मर्जी काहिर और गालिब है कि उनके मुकाबिल बोलने वाला बोल नहीं सकता और न कोई साहिब हाल कुछ कर सकता है। मेरे अल्लाह, कितनी ही बार मैंने इताअत करते हुए इबादत की शक्ल बनाई है मगर तेरे अदल के खौफ से उस पर मेरा भरोसा न रहा, बल्कि वो तेरे फजल से मेरी बख्शिश का जरिया बनी। मेरे अल्लाह, बेशक तू जानता है अगरचे मैं इबादत में मुस्तकिल मशगूल नहीं हूँ तो भी तुझसे मेरी मोहब्बत हमेशा रासिख है। मेरे अल्लाह, किस तरह बंदगी का इरादा करूँ जब तू गालिब है, और क्यों कर इरादा ना करूँ जब तू हुक्म देता है? मेरे अल्लाह, तेरी कुदरत के आसार में गौर करना तेरे दीदार से दूरी का सबब है, बस मुझे अपने हुजूर हाजिर रख के तेरी सरकार में पहुंच जाऊं। क्यों कर वो चीज तेरी तरफ रहनुमाई कर सकती है जो अपने वजूद ही में तेरी मोहताज है? आया तेरे गैर के लिए ऐसा जहूर है जो तेरे लिए नहीं है, यहाँ तक कि वो तुझे जाहिर करने वाला बन जाए? तू कब गायब था कि किसी ऐसे निशान की हाजत हो जो तेरी दलील ठहरे, और तू कब दूर था कि आसार और निशान तुझ तक पहुँचाने का जरिया और वसीला बने? अंधी है वो आंख जो तुझे अपनी निगहबान नहीं पाती। उस बंदे का सौदा खसारे वाला है जिसको तूने अपनी मोहब्बत का हिस्सा नहीं दिया। मेरे अल्लाह, तूने अपनी कुदरत के आसार पर तवज्जह का हुक्म दिया, बस मुझको अपने नूर के पर्दों और बसीरत के रास्तों की तरफ ले चल ताकि इसके जरिए तेरी दरगाह में आऊं, जिस तरह उन्हीं के जरिए तेरी तरफ राह पाई, उन्हें देखकर राज हकीकत की खबर पाऊं और उनके सहारे अपनी हिम्मत को बुलंद करूं। बेशक तू हर चीज पर कुदरत रखता है। मेरे अल्लाह, ये मेरी पस्ती जो तेरे आगे आया है, और ये है मेरी बुरी हालत जो तुझसे पोशीदा नहीं। मैं तेरी बारगाह पहुंचना चाहता हूँ और तुझ पर तुझ ही को दलील ठहराता हूँ। बस अपने नूर से मेरी अपनी तरफ रहनुमाई कर और अपने हुजूर मुझे सच्ची बंदगी पर बरकरार कर दे। मेरे अल्लाह, सिखा मुझे अपनी पोशीदा उलूम में से और अपने मोहकम पर्दे के साथ मेरी हिफाजत कर। मेरे अल्लाह, मुझे अपने अहले कुर्ब के हकाईक से बहरावर फरमा और उनकी राह पर डाल जो तेरी तरफ खींचते चले जाते हैं। मेरे अल्लाह, अपनी तदबीर और पसंद के जरिए मुझे मेरी तदबीर और पसंद से बेनियाज कर दे
और परेशानी के आलम में मुझे साबित कदम रख। मेरे माबूद, मुझे मेरे नफ्स की पस्ती से निकाल दे, मुझे शक और शिर्क से पाक कर दे, कबल इसके कि मैं कब्र में जाऊं। तुझसे मदद चाहता हूँ, मेरी मदद फरमा, तुझ पर भरोसा करता हूँ, बस मुझे छोड़ ना दे। तुझसे मांगता हूँ, बस ना उम्मीद ना फरमा, तेरे फजल की आस लगाई है, बस मुझे महरूम ना कर। तेरी बारगाह से ताल्लुक जोड़ा है, बस मुझको दूर ना फरमा, और तेरा दरवाजा खटखटाता हूँ, मुझे भगा ना दे। मेरे अल्लाह, तेरी रजा पाक है, मुमकिन नहीं इसमें तेरी तरफ से नुक्स आए, फिर कैसे मुमकिन है कि मैं उसे नुक्सदार कहूँ। मेरे अल्लाह, तू अपनी जात में बेनियाज है, इससे कि तुझे अपनी जात से नफा पहुँचे, क्यों ना तू मुझसे बेनियाज होगा। मेरे अल्लाह, कज़ा व कद्र मुझे आरजूमंद बनाती है, और ख्वाहिश नफ्स मुझे आरजुओं का कैदी बना लेती है। बस तू मेरा मददगार बन जा, ताकि मैं कामयाब हो जाऊं, बिना हो जाऊं, और अपने फजल से बेनियाज कर दे, ताकि तेरे जरिए हाजत से बेनियाज हो जाऊं। तू वो है जिसने अपने दोस्तों के दिलों को नूर की शुआओं से रोशन कर दिया, तो उन्होंने तुझे पहचाना और तुझे एक माना। और तू वो है जिसने अपने दोस्तों के दिलों से गैरों को दूर किया, तो वो सिवाय तेरे किसी से मोहब्बत नहीं रखते, और तेरे गैर की पनाह नहीं लेते। जब जमाना उनका हिरासा करे, उस वक्त तू ही उनका हमदम है, और तू वो है जिसने उनकी रहनुमाई की, जब तेरे निशानों बुरहान से दूर हुए। ए मेरे माबूद, उसने क्या पाया जिसने तुझे खोया, और उसने कुछ न खोया जिसने तुझको पा लिया। वो यकीनन नाकाम हुआ जो तेरे बजाय किसी और को पसंद करने लगा, और वो घाटे में पड़ा जो सरकशी के साथ तुझसे फिर गया। क्यों कर तेरे गैर से उम्मीद रखते हैं, जबकि तेरा एहसान व करम रुकता ही नहीं, और क्यों कर तेरे गैर से मांगते हैं, जबकि तेरी फजल व एहसान करने की आदत में तब्दीली नहीं आती। ऐ वो जो अपने दोस्तों की उल्फत की मिठास चखाता है, बस वो उसके हुजूर तारीफ करते खड़े हो जाते हैं। ऐ वो जो अपने दोस्तों को अपनी हेबत का लिबास पहनाता है, तो वो उसके सामने खड़े होते हैं बख्शिश मांगते हुए। तू याद करने वालों से पहले उनको याद रखने वाला है, तू एहसान में इब्तिदा करने वाला है, इबादत गुजारों के तवज्जो करने से पहले, तू अता में इजाफा करने वाला है, मांगने वालों के मांगने से पहले, तू बहुत देने वाला है, फिर उसमें से बतौर कर्ज मांगता है जो कुछ तूने हमें दिया है। मेरे अल्लाह, अपनी रहमत से मुझको बुला ले, ताकि मैं तेरे हुजूर पहुंच सकूं, मुझे अपनी तरफ खींच ले, ताकि तेरी बारगाह में आ सकूं। मेरे अल्लाह, बेशक मेरी आस तुझसे नहीं टूटेंगी, अगरचे मैं तेरी नाफरमानी करूं, जैसा कि मेरा खौफ दूर न होगा, अगरचे मैं तेरी इताअत भी करूं। बस जमाने की सख्तियों ने मुझको तेरी तरफ धकेल दिया है, और तेरी नवाजिश के इल्म ने तेरी बारगाह में पहुंचा दिया है। मेरे अल्लाह, क्यों करना उम्मीद हो जाऊं कि तू मेरी आरजू है, या कैसे पस्त होऊंगा जब मेरा भरोसा तुझ पर है। मेरे अल्लाह, कैसे इज्जत का दावा करूं कि इस ख्वारी में तूने याद किया है, और कैसे मेरे अल्लाह, कैसे इज्जत का दावा न करूं कि मेरी निस्बत तेरी तरफ है। मेरे अल्लाह, क्यों कर फकीर ना बनूं, जबकि तूने मुझे फकीरों की सफ में रखा है, या कैसे मैं फकीर बनूं कि तूने मुझको अपनी अता से गनी किया हुआ है। और तू वो है कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तूने हर चीज को अपनी पहचान कराई, बस कोई चीज नहीं जो तुझे पहचानती न हो। और तू वो है जिसने हर चीज के जरिए मुझे अपनी मारिफत कराई, बस मैंने तुझे हर चीज में आया व नुमाया देखा, और तू हर चीज पर जाहिर व आश्कार है। ए वो जो अपनी रहमत आम्मा के साथ कायम है, कि अर्श उसकी जात में निहा हो गया है, तूने अपनी निशानियों से दीगर निशानियों को मिटा दिया, और तूने अपने गैरों को नूरानी आसमानों के हल्कों में नाबूद कर दिया। ए वो जो अपने अर्श की चिलमनों में पिनहा हो गया, कि देखती आंखें उसे देखने न पाए। ए वो
जिसने अपने नूर कामिल का जलवा दिखाया तो उसकी अजमत कायम हो बरकरार हो गई। क्यों कर पोशीदा है तू जबकि आशकारा है, या कैसा पिनहा है जबकि तू निगेबानो हाजिर है। बेशक तू हर चीज पर कुदरत रखता है और हम्द है अल्लाह के लिए उसकी यकताई पर। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।